हेलो फ्रेंड्स, तो आप अपने अपने यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज है 9 अप्रैल 2024, और 9 अप्रैल 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे, दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला सबसे टॉप पर कौन सा देश है? ओलंपिक वेलेरी एडम्स को अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया, और भारतीय तटरक्षक बल ने जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको मुरे वेरी, वैसे तो आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, लेकिन कुछ कार्य की वजह से, कुछ कारण ऐसे भी हमें भी काम हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ये लगभग आज ये क्लास आपको 8 बजे दी जा रही है। तो सारे साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और इसी के अलावा आज आपको पता है हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि का ये पावन अवसर स्टार्ट हो चुका है। तो इसी के इस पावन अवसर पर आज अपने प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर आज आपको 50% की छूट आपको दी गई है, और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक आपके लिए रहेगा। तो इस ऑफर का फायदा आप जरूर उठाएं, क्योंकि एक हिंदू नववर्ष की आज शुरुआत है, और इसी के साथ चैत्र नवरात्रि की इस पावन अवसर पर भी आपको 50% की ऐप के अंदर छूट दी जा रही है। तो आज 9 अप्रैल के दिन आपको जितनी भी अपनी ऐप के अंदर ऑनलाइन टेस्टरी चल रही है, जैसे वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्टरीज है, इसके अलावा आरपीएससी आरएसएम भी टेस्टरीज है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए भारत और राजस्थान के लिए करंट है, और इंडियन पॉलिटी की है, एनसीईआरटी की टेस्टरीज अपनी जनरल साइंस की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, ये जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्टरी चल रही है, इन सभी पर आज आपको हिंदू नववर्ष पर 50% की छूट आपको दी गई है। मात्र आपको सभी जितनी भी अपनी टेस्टरीज है, मात्र ₹50 के अंदर आप टेस्टरी ले सकते हो, और 1 साल की अपनी वैलिडिटी रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। IWF विश्व कप 2024 भारतीय भारोत्तोलक बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं के 55 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी? तो बिलिकस मीर बनी। कौन सा देश विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। किस राज्य का मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई डीजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बना? तो ये बना है गोवा राज्य का। किस लिमिटेड को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो SJVN। किसे NCDFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? मिनेश शाह को। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई? तो 2025 तक है। कहां पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला? गुजरात में। और भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया? तो ये किया गया आकाश तीर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। डेली आपको टेस्ट मिल रहा है ऐप के अंदर, वीकली टेस्ट मिल गया, और मंथली टेस्ट भी आपको मिल चुका है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है, उसी के अकॉर्डिंग अपने देखें तो दुनिया के अंदर टॉप डोप उल्लंघन करने वाला सबसे टॉप पर देश है, वो है अपना देश भारत। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपना देश भारत है, वो ही एक दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला सबसे टॉप देश है बन गया। कौन सा? अपना देश भारत। देखो, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, इसका शॉर्टकट में नाम है वाडा, इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में डोपिंग के मामलों की संख्या सबसे अधिक भारत में पाई गई है। यानी कि दुनिया के अंदर डोपिंग के मामलों की संख्या सबसे अधिक भारत के अंदर पाएगी। भारतीयों के कुल एकत्रित नमूने 4064, यानी कि मूत्र, रक्त और एथलीट जैविक पासपोर्ट संयुक्त, यानी कि इस प्रकार इतने नमूने यहाँ पर देखे गए। 127 भारतीय एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों का उपयोग करते हुए पकड़ा गया, जो नमूना आकार का 3.26%। अब ये डोपिंग का मतलब होता है भी, आजकल आपको पता है ये नशे वगैरह सबसे ज्यादा अपने भारत के अंदर सब
चल रहे हैं अपने गांव वगैरह शहर वगैरह के अंदर भी देखते हैं, कहीं पर मादक पदार्थ वगैरह है, कहीं पर कुछ भी है, तो इस उल्लंघन के अंदर, इस डोपिंग के मामलों के अंदर भारत है वो सबसे टॉप पर है। हाल ही में ओलंपिक चैंपियन वेलेरी एडम्स को अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये ओलंपिक चैंपियन है वेलेरी एडम्स, और इनको अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया, और इनका संबंध है शॉट पुट की खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर एक, किसकी खिलाड़ी? ये शॉट पुट की खिलाड़ी है वेलेरी एडम्स है, और इनको अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है। देखो, ये है प्रतिष्ठित शॉट पुटर और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता वेलेरी एडम्स को 28 अप्रैल 2024 को आयोजित होने वाले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड यानी कि 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है। तो ये 28 अप्रैल को आयोजित होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका आयोजन होगा, और वहां पे अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित कर दिया वेलेरी एडम्स को। ये न्यूजीलैंड की 39 वर्षीय खिलाड़ी यकीनन अब तक की सबसे सफल महिला शॉटपुट खिलाड़ी बन गई है। तो बेंगलुरु के अंदर इसका 16वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। सागर कवच 2024 नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? सागर कवच 2024 नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है लक्षद्वीप समूह में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप समूह में सागर कवच 2024 2 दिवसीय ये तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है। कहां पर है? लक्षद्वीप में। तो सागर कवच 1 अप्रैल 2024 नामक ये 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास 1 और 2 अप्रैल 2024 तक लक्षद्वीप समय में आयोजित किया गया था। तो 1 और 2 अप्रैल को ये 2 दिनों का ये अभ्यास था सागर कवच है, ये लक्षद्वीप में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी इसके अंदर शामिल थी, यानी कि जो समुद्री वाले जो क्षेत्र हैं वो इन्होंने इसके अंदर भाग लिया। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य के मंडपम में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? ये किया है तमिलनाडु राज्य के मंडपम में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में महानिदेशक है राकेश पाल। कौन है? राकेश पाल है भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में महानिदेशक है, और उन्होंने तमिलनाडु राज्य के मंडपम में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। तस्वीर में आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे महानिदेशक राकेश पाल। तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वर के पास ICGSS मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। कब किया? 6 अप्रैल 2024 को। अभी जो वर्तमान में महानिदेशक है राकेश पाल, वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भारतीय तटरक्षक बेस के 4 दिवसीय यात्रा पर है मौजूद है। तो वर्तमान में वो इन 4 क्षेत्रों के अंदर है जो है, वर्तमान में 4 दिवसीय यात्रा पर है। भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है? तो कुछ दिन पहले आपको पता है कि भारत और मालदीव के बीच में काफी जो है तनाव चल रहा था, कुछ टिप्पणियां, आलोचनात्मक टिप्पणियां के कारण दोनों के तनाव हो गया था। भारत और मालदीव के बीच में जो है तनाव वगैरह वो बिगड़ चुके थे, तो इसलिए भारत ने उस समय जो भी मालदीव से जो कोई सामान वगैरह है, जो वस्तुएं वगैरह आयात निर्यात होती थी वो बंद कर दी थी। लेकिन अब भारत ने एक बार फिर से आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दे दी है। किसके साथ है? किस देश के लिए? मालदीव के लिए। तो भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मालदीव के लिए अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया, यानी कि पहले इन पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन ये प्रतिबंध अब हटा दिया। यह कदम पिछले साल नवंबर से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के बावजूद उठाया गया था, यानी कि पिछले साल नवंबर के बीच दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण हो गया था, इसलिए से ये सब कुछ बंद हो गया, लेकिन अब फिर से ये प्रतिबंध हटा दिया।
विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया? ये किया है भूमि पेडनेकर को। ऑप्शन नंबर एक किसको किया है? भूमि पेडनेकर को यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी के अंदर भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है। तो विश्व आर्थिक मंच ने अपने यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी के 20वें संस्करण की घोषणा की है। तो अब की बार 20वां संस्करण आयोजित किया गया। इस वर्ष 5 भारतीयों को यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम के लिए चुना गया था। तो 5 भारतीयों को चुना गया, जिसमें सबसे टॉप पर आई है भूमि पेडनेकर। ये कला और संस्कृति से है बॉलीवुड अभिनेत्री, जो दम लगा के, अहिंसा, टॉयलेट, एक प्रेम कथा और बधाई दो जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है। तो ये भूमि पेडनेकर एक अभिनेत्री है जो इसके अंदर 20वें संस्करण के लिए यंग ग्लोबल लीडर्स में सबसे टॉप पर रही। इसके अलावा 2 नंबर पे है अद्वैत नायर, 3 नंबर पे अर्जुन भरतिया, फिर प्रिया अग्रवाल हेबार और 5 नंबर पे है शरद विवेक सागर। इनका बाद में इनका स्थान आता है। हाल ही में किसने बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता? ये जीता है गेल संस्था ने। ऑप्शन नंबर बी किसने जीता है? जो गेल संस्था है, जो पाइपलाइन है, तेल वगैरह है, उनके लिए बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के लिए इन्होंने 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। किसने? गेल ने जीता है। गेल इंडिया ये एक लिमिटेड है, ध्यान रखना। गेल लिमिटेड को बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना BGPL में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 15वें विश्वकर्मा पुरस्कार इनको मिला। यह इसकी परियोजना जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना के एक अभिन्न अंग है, जो पहली बार उत्तर पूर्व भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़कर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है माना गया। यानी कि पहली बार इसने उत्तर पूर्व भारत को क्या है, एक राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़कर एक महत्वपूर्ण काम किया है, इसलिए इनको ये 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार है मिला। हाल में स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो स्लोवाकिया के अब नए राष्ट्रपति बन गए पीटर पेलिग्रिनी। ऑप्शन नंबर डी कौन बन गए? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हैं पीटर पेलिग्रिनी और ये अब स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने जीत लिया है। तो स्लोवाकिया के हाल ही राष्ट्रीय राष्ट्रपति चुनाव में पीटर पेलिग्रिनी विजय हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की सरकार का रूस समर्थक रूप मजबूत किया है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है कि स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी बन गए। हाल में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 मनाया जाता है। तो हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना तिथि 7 अप्रैल को मनाई जाती है। इस साल इस दिवस की थीम रही थी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सूचना तक पहुंच के मौलिक मानव अधिकार पर है केंद्रित है। तो ये मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार अब की बार इसकी थीम रही और ये हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की WHO की स्थापना तिथि मनाई जाती है। किस प्रसिद्ध लेखक ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक लिखी है? किस प्रसिद्ध लेखक ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक लिखी? ये लिखी है सैम पित्रोदा ने। ऑप्शन नंबर एक किसने? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हैं सैम पित्रोदा और इन्होंने अपनी पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक लिखी, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित चुनौतियों का पता लगाती है। तो ये क्या करती है, जो भारत और अमेरिका जैसे देश हैं, वहां की जो लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति है ना, उसकी जो संभावित चुनौतियां हैं, उसको ये पुस्तक पता
लगाती है। किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य के सितार और तानपुरा, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये वाद्य यंत्र हैं सितार और तानपुरा, इनको हाल ही में जीआई टैग मिला। ये है महाराष्ट्र राज्य के, किस राज्य के हैं? महाराष्ट्र के हैं सितार और तानपुरा, और हाल ही में इनको जीआई टैग मिला है। तो महाराष्ट्र के एक छोटे कस्बे मिरज में बनाए गए जाने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला। यह क्षेत्र वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यह सांगली जिले में आता है। तो ये क्षेत्र ही वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, और अभी मिरज के अंदर बनाए गए हैं ये सितार और तानपुरा, और ये महाराष्ट्र के हैं, और इन दोनों को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, आज सुबह ही मैंने बता दिया था, अभी टेलीग्राम पे 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। और बढ़िया तरीके से आज आपको 50% का ऑफर भी दिया जा रहा है, उसका फायदा आप उठा लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया? तो ये किया है हार्दिक सिंह, पुरुषों के अंदर हार्दिक सिंह। और महिला के अंदर बात करें तो महिला के अंदर है सलीमा टेटे। कौन है? सलीमा टेटे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। डीआरडीओ ने किस राज्य में देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की? उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके अलावा अपनी एलडीसी के लिए भी भारत और राजस्थान का करंट मिल रहा है, सीटी के लिए भी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, इन सभी पर आज आपके लिए 50-50 रुपए के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज दी जा रही थी। इस ऑफर का फायदा उठा लेना, और 1 साल की वैलिडिटी है। और मैं कह रहा हूँ, जो भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, आपका एग्जाम के अंदर करंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। आज हिंदू नववर्ष पर आपको ये इस ऑफ का फायदा दिया जा रहा है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।